कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जैज़ कैसे इजी पैसा में पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने जैज़ कैसे इजी पैसा में पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आधे घंटे का टाइम लिमिट लग जाता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको पेमेंट रिसीव होगी। वो तब ऐसा होता है कि जब आप कोड डायल करते हैं *786# डायल करके आप पेमेंट सेंड करते हैं जैज़ कैश टू इजी पैसा, इजी पैसा टू जैज़ कैश, देन जो है ना वो टाइम लिमिट लगता है 30 मिनट्स का। और कुछ लोग ऐप यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करके भी वो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन फिर भी जो है वो आधे घंटे का टाइम आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने जैज़ कैश ऐप से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम डिले, फ़ौरन जो है वो आपके इजी पैसा में, या आप अपने अगर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ौरन उसी टाइम जो है वो आपको दूसरे अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने करना है, आपके पास जैज़ कैश ऐप होनी चाहिए, उसके बाद जाना है आपने अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने चेक करना है कि आपका जो जैज़ कैश की ऐप है वो अपडेट है या नहीं। मैं इधर चेक कर लेता हूँ, तो आ गई है मेरी जैज़ कैश की जो ऐप है वो फुल अपडेट है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये जो मनी ट्रांसफ़र का आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन जाना है अपने अदर वॉलेट ट्रांसफ़र पे। मैं आपको अगेन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आपने जाना है मनी ट्रांसफ़र पे। मनी ट्रांसफ़र पे जाने के बाद आपने अदर वॉलेट पे जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर मनी ट्रांसफ़र पे जाते हैं, बैंक ट्रांसफ़र में इजी पैसा का ऑप्शन होता है, वो यहाँ से जो है पेमेंट सेंड कर देते हैं तो वो पेमेंट नहीं जाती, फ़ौरन आधे घंटे का टाइम लिमिट लग जाता है। आपने मनी ट्रांसफ़र पे जाके अदर वॉलेट पे जाना है। इसके अलावा आपने कहीं से भी जैज़ कैश में या बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी। पेमेंट बैंक का तो अलग है, आपने सिंपली यहाँ से किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो चली जाएगी। अगर आप इजी पैसा में यहाँ से सेंड करेंगे टेलीनोर में तो यहाँ से जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने मनी ट्रांसफ़र पर जाके अदर वॉलेट पर जाना है, देन इजी पैसा लिखना। तो मैं यहाँ से कोई भी नंबर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, वो इस पर पेमेंट सेंड करते हैं। तो यहाँ से आपने फैमिली सपोर्ट, इधर से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप नंबर लिखना चाहें अपना या जिसको आप सेंड करें या कोई भी नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद ये जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, नाम आ जाएगा उसका, सब कुछ आ जाएगा। तो देन आपने क्या करना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये आपसे पिन कोड मांगे, अगर आपकी फिंगरप्रिंट लगी होगी तो फिंगरप्रिंट आप इस पे ऐड कर सकते हो, कोड ऐड कर देंगे। कोड ऐड करने के बाद जो आपकी पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसी टाइम ही ट्रांसफ़र हो जाएगी विदाउट एनी टाइम डिले, उसी टाइम फ़ौरन रिसीव हो जाएगी अगले बंदे को पेमेंट। अगर आपने अपने जैज़ कैश में अपने जैज़ कैश से अपने ही अकाउंट में इजी पैसा में ट्रांसफ़र किया देन भी, और अगर आपने अपने जैज़ कैश से किसी दूसरे बंदे को जो है वो इजी पैसा पेमेंट सेंड किया तो देन भी जो है ना वो उसको फ़ौरन पहुँच जाएगी। इजी पैसा के मसले रहते हैं तो इजी पैसा में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो एक दफ़ा फिर कोड डायल कर देते हैं तो इस टाइम जब पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है तो फ़ी है वो भी कुछ नहीं लगी और पेमेंट भी जो है वो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आप जो है वो ऐसे कोड डायल करके है *786# करके पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे ना देन आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो आधे घंटे का टाइम लिमिट लग जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐप से करोगे तो ऐप से फ़ौरन जो है वो आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।